नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शैडो डायरीज के लाइव स्ट्रीमिंग में। अभी फिलहाल मैं शहडोल की तरफ वापस आ रहा हूँ, उमरिया से शहडोल की यात्रा में हूँ और मैं जिस ट्रेन में हूँ उस ट्रेन के बारे में नई चीज़ पता चली, जो कि ये है कि ये माणिकपुर यानी कि सतना के बाद जो यूपी का माणिकपुर है वहाँ से जो ट्रेन चलती है ये डायरेक्ट चंदिया चिरमिरी होते हुए कटनी शहडोल सतना ये सारा चीज़ होते हुए चिरमिरी तक जाती है। मैं तो उमरिया से चला हूँ लेकिन कुछ यात्री हैं जो सतना से आ रहे हैं, उनको कटनी में भी चेंज नहीं करना पड़ा, वो डायरेक्ट सतना से चढ़े हैं और डायरेक्ट वो चिरमिरी तक जाएंगे। एक मेरे साथ ही बैठे हुए हैं भाई साहब, वो हैं और ये ट्रेन थोड़ा अपग्रेडेड ट्रेन हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं मीडिया से हूँ। आपका शुभ नाम बताइए ना। धर्मेंद्र कुमार पांडे। धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, पांडे जी आप सतना से आ रहे हैं, ये ट्रेन आपको चेंज नहीं करना पड़ा, सतना से डायरेक्ट चले हैं, कटनी में चेंज नहीं करना पड़ा और कटनी में ये कटनी चिरमिरी बन गई है और उससे डायरेक्ट आप शहडोल तक जाएंगे और ये गाड़ी चिरमिरी तक जाएगी। सो दोस्तों, ये है पांडे जी जो डायरेक्ट सतना से चढ़े हैं और ये जो ट्रेन है डेफिनेटली कटनी चिरमिरी जो ट्रेन है, शाम को लगभग 7 बजे के आसपास शहडोल का टाइमिंग है, 7 बजे के आसपास ये शहडोल पहुंचेगी। लेकिन एक नई चीज़ ये पता चली कि ये माणिकपुर से चलेगी और डायरेक्ट चिरमिरी तक जाएगी, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी है। सतना कटनी यूजली कटनी से ट्रेन चेंज करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छी चीज़ है। माणिकपुर से सुबह 8:30 बजे चलती है, सुबह 8:30 बजे माणिकपुर से और सतना 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास सतना आती है और 12 बजे चलती है। अच्छा, हाँ वहाँ पे मैनेज करते हुए और उसके बाद कटनी कितने बजे पहुँचती है? 2 बजे कटनी और थोड़ा वहाँ रुकती है 1 घंटे। अच्छा, उसके बाद वापस निकल आती है। ओके, सो ये एक नई ट्रेन के बारे में पता चला माणिकपुर से डायरेक्ट चिरमिरी तक के लिए, हालांकि ये एग्जैक्टली उस नाम से नहीं चल रही, ये कनेक्टिंग ट्रेन जैसी चल रही है लेकिन ट्रेन चेंज नहीं करना पड़ रहा है। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन है और बेस्ट जगह है शेयर करने का। चित्रकूट घूमने के लिए अच्छा साधन है और सुबह जो यही ट्रेन जो जाती है वो माणिकपुर तक जाती है। ओके, चलिए ये तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो गई। लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने इस ट्रेन का पूरा एक फुल रिव्यू डाला था, उसके बाद आज ये ट्रेन वापस चढ़ रहा हूँ। ये पूरी मुंबई में जैसी लोकल चलती है वैसी है, हर एक स्टेशन के पहले